मैं ना आईब्रोज पहले बिल्कुल नहीं करती थी, मगर मुझे ऐसा सच नीड ही नहीं समझ में आती थी। मगर ट्रस्ट मी गाइस, आईब्रोज जब आप फिल करोगे ना, इट्स अ गेम चेंजर इन योर मेकअप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अच्छा बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं। जी हां, मैं बात करने वाली हूं ब्लू हेवन के ब्राउ परफेक्ट आईब्रो एनहेंसर का। दिस इज द प्रोडक्ट। ये एक काफी अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको अपने आईब्रो सेट करने नहीं आते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और इसका मैं डेमो भी दूंगी। ये प्रोडक्ट बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है। एज यू कैन सी, इसकी एक आउटर पैकेजिंग भी आती है जो कि मैंने थ्रो कर दी, क्योंकि इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं, तो मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। तो एक तरफ आपको पेंसिल मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके की है। एज यू कैन सी, सो दिस इज द पेंसिल फ्रॉम विच आप अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो। और ये ब्राउन कलर में है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चॉकलेट ब्राउन कलर। पिगमेंटेशन भी अच्छी है इसकी। एंड इस तरफ आपको एक स्पूली मिल जाती है, तो एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो आपको अलग से पेंसिल और अलग से स्पूली लेने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोडक्ट लो और यू आर सॉर्टेड। और ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है दोस्तों, तो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका बाइंग लिंक आपको ना मैं कमेंट में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका डेमो देखें। क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं बहुत ही हल्का एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, ताकि यू नो आईब्रोज बिल्कुल ऐसा भालू के तरह ना लगे। बस जितने नेचुरल लगेंगे उतने ज्यादा आईब्रोज अच्छे दिखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वी करने की कोशिश की है और हल्का हल्का मैं बीच में, बहुत हल्का, और आपको डिफरेंस खुद देखने में पता चलेगा दोनों आईब्रोज में। बस इतना ही मैंने किया है। अब मैं इसको सेट कर लूंगी। कैन यू जस्ट सी द डिफरेंस गाइस? इस आईब्रो में और इस आईब्रो में डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। और अब मैं अपने इस वाले आईब्रो को भी सेट कर लेती हूँ। इसको भी मैं वी शेप देने की कोशिश करूंगी। पहले ना गाइस, मुझे आईब्रोज बिल्कुल करने नहीं आते थे। अब मुझे ऐसा सच कोई नीड भी नहीं लगती थी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आईब्रोज को फिल करना इज अ गेम चेंजर इन योर मेकअप। बहुत अच्छे लगते हैं जब अपने आईब्रोज को आप फिल करते हो ना, बहुत ही ज्यादा डिफाइंड और थोड़ा सा नेचुरल लुक में करने की कोशिश किया करें। मुझे नेचुरल लुक ही पसंद है। ऐसा एकदम क्लीन लुक आईब्रोज का मुझे अच्छा नहीं लगता। सो या, मेरे आईब्रोज की शेप बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मैंने अभी तक इनको जाके सेट भी नहीं कराया है, सो पार्लर में गई नहीं हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, एज यू कैन सी। गाइस, आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर आईब्रोज फिलिंग। अगर आप ये एक प्रोडक्ट ले लोगे ना, तो आपको कोई भी अदर प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ब्लैक ऑप्शन चूज करने, तो आप ब्लैक ले सकते हो, लेकिन मैं ब्राउन ही प्रेफर करती हूँ। और ये ना बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप बहुत ही आसानी से इससे अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। कोई भी आपको यू नो झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, 10 out of 10। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क करता है ये। आपको डेफिनेटली ये परचेज करना चाहिए दोस्तों। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मैं इंस्टाग्राम पे भी अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस।